हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ विद इन द बॉक्स। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे, कार्ब्स आपको मोटा करते हैं या नहीं, क्या आपको ज़रूरी है लो कार्ब डाइट पे जाना अगर आपको वेट लूज़ करना है या फैट लूज़ करना है, अगर आपको जानना है कि आपको फैट खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, या फिर फैट को खाने का सही टाइम क्या है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारा कोई वीडियो मिस ना करें। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कार्ब्स होते क्या हैं। कार्ब्स का फुल फॉर्म क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो जैसे नाम बोल रहा है, कार्ब्स एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब ये प्रेजेंट किस फॉर्म में होते हैं? जनरली दीज आर मल्टीपल चेन्स ऑफ शुगर दैट कंबाइन टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्ब्स पाया कहाँ जाता है? कार्ब्स इज द मोस्ट अबंडेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट विच यू विल फाइंड। मतलब आपको ब्रेड में, आपको रोटी में, आपको चावल में, आपको फ्रूट्स में कार्ब्स सबसे सस्ता मैक्रोन्यूट्रिएंट है। इसीलिए हमारी इंडियन डाइट्स को अगर आप देखेंगे तो उसमें कार्ब्स भरा हुआ होता है। मतलब सारी रोटी, चावल, ब्रेड, हर जगह कार्ब्स है, तो कार्ब्स की कमी आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब कार्ब्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल कार्ब्स और एक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स क्या होते हैं? सिंपल कार्ब्स होते हैं जहाँ पे उस कार्बोहाइड्रेट में एक या दो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। सिंपल कार्ब्स को सिंपल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ग्लूकोज में बहुत जल्दी टूट जाते हैं हमारी बॉडी में। तो अगर आपको समझना हो साइंटिफिक टर्म में, व्हेन यू इनटेक कार्ब, जब आप कार्ब लेते हैं तो वो ग्लूकोज में टूटता है, जो कि फर्दर टूटता है हमें डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो सिंपल कार्ब्स ग्लूकोज में फटाफट टूट जाता है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरे टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बेसिकली होता क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में दो से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स एक साथ बंधे हुए होते हैं, तो उनका ग्लूकोज में कन्वर्ट होना उतना आसान नहीं होता है, इसीलिए उनको कॉम्प्लेक्स कार्ब कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब जब हमें पता चल गया कि दो तरीके के कार्ब्स होते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारी बॉडी कार्ब्स को यूज़ कैसे करती है। जैसे ही आप कोई कार्ब सोर्स इनटेक करते हैं या कोई ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कार्ब्स का सोर्स है, बॉडी सबसे पहले क्या करती है? उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, और वो ग्लूकोज सबसे पहले आपके बॉडी के डे टू डे एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज हो जाता है। आपने अभी अगर कार्बोहाइड्रेट सोर्स लिया और आप उठ रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सीढ़ियों से ऊपर नीचे जा रहे हैं, वो एनर्जी जो चाहिए वो आपको उस ग्लूकोज से मिलेगी। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है कार्ब्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जो कि फर्दर ग्लाइकोजन, इट्स अनदर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है। अभी कहाँ स्टोर होता है? एक मसल्स में स्टोर होता है और एक लिवर्स में स्टोर होता है। मजॉरिटी ग्लाइकोजन आपके मसल्स में स्टोर होता है। तो जब आप वर्कआउट करते हैं और हैवी वेट्स उठाते हैं या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, तो आपके मसल्स में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो निकलता है, टूटता है, ATPs फॉर्म करता है और आपको एनर्जी देता है। तीसरा तरीका एकदम सिंपल है, उसमें मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके बॉडी का ग्लूकोज रिक्वायरमेंट डेली एक्टिविटी के लिए ख़त्म हो गया, आपके मसल्स का ग्लाइकोजन स्टोर भर गया, लिवर में ग्लाइकोजन जितना भरना था भर गया, उसके बाद जो बचा हुआ कार्ब है, जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, वो कहाँ जाएगा? कहीं जगह ही नहीं है, वो सीधा सीधा होगा कन्वर्ट फैट में। और इसी को ले के लोगों के दिमाग में मिथ होता है कि कार्ब खाने से हम बहुत जल्दी फैट गेन करते हैं, हमें कार्ब्स का लेवल कम करना पड़ेगा या लो कार्ब डाइट पे जाना पड़ेगा हमें वेट या फैट लूज करना है। तो ये तीन तरीके थे जिन तरीकों से आपकी बॉडी कार्ब्स को यूटिलाइज करती है। अब जब आपको पता चल ही गया है कि हमारी बॉडी कार्ब्स को कैसे यूज करती है, तो एक मिथ आज एकदम बस कर ही देते, मतलब वंस एंड फॉर ऑल के लिए इसको चैप्टर को क्लोज कर देते हैं, जहाँ पर बहुत बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि वर्कआउट के इमिजिएटली बाद सिंपल कार्ब्स लेने चाहिए ताकि आपके बॉडी का इंसुलिन स्पाइक हो और आपका जो प्रोटीन शेक ले रहे हैं वर्कआउट के बाद वो जल्दी असिमिलेट हो जाए। अब एक बात मैं आपको बता दूं, एंड दिस इज रिसर्च बैक, जहाँ पर रिसर्च में ये पता चला कि आप कितना भी इंटेंस वर्कआउट कर लीजिए, आपके मसल्स में स्टोर्ड ग्लाइकोजन कभी भी 36% से ज़्यादा डिप्लीट नहीं होता है। सो माई पॉइंट इज कि ग्लाइकोजन पूरा खत्म हो ही नहीं रहा है आपकी किसी भी मसल का, जबकि आप बहुत इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसको रिप्लेनिश करने की ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं। तो आपको वर्कआउट के बाद सिंपल कार्ब्स खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
अगर आप खाएं तो भी ठीक है, आपके डाइट में अगर डाइट प्लान में इंक्लूडेड है तो बढ़िया है, अगर नहीं इंक्लूडेड है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिंपल एक प्रोटीन शेक लेके भी अपना काम चला सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने वर्कआउट के बाद सिंपल कार्ब्स लेने हैं। अब ये थी बात उन एथलीट्स के लिए जो एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग करते हैं या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं। अगर आप एक एंड्योरेंस एथलीट हैं, एंड्योरेंस एथलीट मतलब आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं या साइकिलिंग करते हैं, उस केस में क्योंकि दैट एक्टिविटी परसिस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड इज डन एट अ मॉडरेट पेस, आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स कंप्लीटली डिप्लीट हो जाएंगे। उस केस में आपको क्या करना चाहिए टू फ्यूल दैट एक्टिविटी, ताकि आप उस एक्टिविटी को एकदम एंड तक कर सकें, बिल्कुल थके ना, तो आपको वर्कआउट से एक घंटा पहले, या रादर साइकिलिंग या जो भी आप लॉन्ग एंड्योरेंस एक्टिविटी करने वाले हैं उससे एक घंटा पहले, टेक सम सोर्स ऑफ सिंपल कार्ब्स, सो दैट योर एंटायर एक्सरसाइज, योर एंटायर साइकिलिंग रनिंग और वॉट एवर यू आर डूइंग इज फ्यूल्ड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन और आप उसको कंप्लीट कर पाए। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पर, क्या आपको कार्ब्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? क्या ये बहुत ज़रूरी है कि आपको लो कार्ब डाइट पर ही जाना पड़ेगा अगर आपको वेट लूज करना है? ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपने अगर मेरा डाइट प्लानिंग वाला वीडियो देखा है या फिर फुल डे ईटिंग वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने अपना अभी तक का जो भी 8, 8.5 से 9 किलो का वेट लॉस किया है उसमें आई हैव हैड कार्ब्स एवरी सिंगल डे और मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज राइस एंड दैट टू वाइट राइस। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया तो उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर छोड़ दूंगा, आप उस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा एक्चुअली कितने कार्ब्स लेने चाहिए, वो आपके डाइट प्लान का पार्ट कैसे हो सकता है, वॉट इज द प्रायोरिटी एंड वॉट इज द एग्जैक्ट अमाउंट दैट यू शुड टेक इट। अब आप कार्ब्स बिल्कुल लीजिए अनलेस एंड अंटिल आप कीटोजेनिक डाइट पे हैं, जहाँ पे आपके बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल इज फैट, इन दैट केस यू विल हैव टू बी ऑन लो कार्ब डाइट। पर अगर आप नॉर्मल डाइटिंग कर रहे हैं और जब तक आप कैलोरिक डेफिसिट में हैं, जब तक आपके शरीर की रिक्वायरमेंट की कैलोरीज से आप कम खा रहे हैं तो आपका वेट लूज होगा ही होगा, आपको बस अपने मैक्रोज को बैलेंस करना आना चाहिए। उसके लिए डाइट प्लानिंग एक्सप्लेन वाली वीडियो मैंने बनाई है, उसका लिंक यहाँ पर है, उसको जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना प्रोटीन, कितना फैट्स और कितने कार्ब्स अपने डाइट में लेना चाहिए। अब एक और मिथ बस्ट कर दे क्या कर देते चलिए एक और मिथ बस्ट कर देते हैं कार्ब्स को लेके। एक सबसे बड़ा मिथ ये है कि कार्ब्स को रात को सोने से पहले वाली मील में नहीं खाना चाहिए या इवनिंग में आपको कार्ब्स नहीं लेने चाहिए। आपका वेट लॉस तब तक होता रहेगा या आप अपने वेट लॉस गोल को तब तक अचीव कर पाएंगे जब तक आप अपने शरीर की रिक्वायर्ड कैलोरीज से कम खाएं। वो आप कब खाते हैं उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, आप शाम को भी कार्ब्स ले सकते हैं, आप रात को भी कार्ब्स ले सकते हैं, बट मेक श्योर that the calories that you take in are less than what you actually require. जब तक आप calorie deficit में रहेंगे आपका weight loss पक्का होता रहेगा irrespective of the time of the intake of carbs. मेरी रात की जो last meal है उसमें मैं 40 grams rice लेता हूँ which is a source of simple carbs and I am still getting the desired results which I want. तो आप इस myth को please believe ना करिए, जब तक आप कैलोरी डेफिसिट में हैं आपका वेट लॉस होता रहेगा, आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। अगर इस वीडियो में आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि क्या अब रात को आप कार्ब्स खाएंगे या नहीं खाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक दबा के जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आप हमारा आने वाला फ्यूचर कोई भी वीडियो मिस ना करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, चीयर्स। Thank you.